प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का सिलेबस, यानी कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में कक्षा 11वीं में हिंदी विषय में से कौन कौन से पार्टों से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आप यहाँ से देख पा रहे हो सारी चीज़ें आपसे इस प्रकार से यहाँ से पूछी जाएगी। तो चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपसे परीक्षाओं में पूछी जाएंगी। वैसे तो उम्मीद है कि आप सभी की तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और आपने तो आगे अगर देखा जाए यहाँ से, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पूरा आपके त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आपका आरओ भाग एक। भाग एक में जो आपका काव्य खंड होगा ये इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसको देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ से। तो सबसे पहले आप देख लें काव्य खंड के कौन कौन से पार्ट ऐसे होंगे जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ सकें। तो यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले आपके ये जो पार्ट है काव्यखंड के, आप सभी को यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको इन पार्टों को कंप्लीट जरूर कर लेना है अच्छे से। तो आप सभी लोग इन पार्टों को जरूर कंप्लीट करें। इसमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका ये पार्ट है हम तो एक एक कर ही जाना, तो ये कबीरदास का पार्ट है। इसका पद एक ख़त्म नहीं हुआ। वैसे अगर आप कहो कि सर ये पार्ट तो हटा दिया गया है तो आप ध्यान दीजिएगा उसमें से जो रिड्यूस हुआ है उसमें से पद दो रिड्यूस हुआ है, पद एक रिड्यूस नहीं हुआ है। यानी कि ये पार्ट आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा और इसको आपको पढ़ना है। और उसी प्रकार से अगला पार्ट दो है जिसका लेखिका मीराबाई है, और जो मीराबाई वाला भी पार्ट है आपका दोस्तों इसका भी पद दो ख़त्म हुआ है। मीराबाई लेखिका जिसकी हैं पद दो ख़त्म किया गया है, पद एक अभी भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। व उसी के अलावा दोस्तों आपका जो अगला पार्ट है जिसका कि नाम घर की याद है और जिसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी है, तो ये पार्ट भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों काव्यखंड के आपको यही पार्ट याद करने हैं, ये आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो यहाँ से आप देख पा रहे हो गद्यखंड में से क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपसे गद्यखंड में से चीज़ें पूछी जाएंगी, आप यहाँ से देख पा रहे हो को गद्यखंड में से देखा जाए तो ये पार्ट आपको याद कर लेने हैं। खासकर आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान जरूर दें और गद्यखंड में से आपको ये सारी चीज़ों को याद कर लेना है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आपको ये पार्ट अच्छे से पढ़ लेना है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नमक का दरोगा, मियाँ नसीरुद्दीन आपको के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा। तो इतने पार्ट आपको यहाँ से याद करने हैं। और अगर दोस्तों वितान नामक किताब जो कि आपकी है उसकी बात की जाए तो वितान किताब में से आपको इतना पढ़ लेना है। तो यहाँ से आप इनको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, जैसे कि आप वितान का देख पा रहे हो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान के रजत बूंदे, तो आप इन पार्टों को याद जरूर कर लें। व उसी के अलावा अगर व्याकरण खंड की बात की जाए तो व्याकरण में आपको क्या करना है, अभिव्यक्ति और माध्यम के ऊपर जो प्रश्न बनेंगे आपके, जनसंचार, पत्रकारिता और अपठित गद्यांश, डायरी लेखन, व उसी के अलावा आपको इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर जो टॉपिक दिखाए गए हैं इन टॉपिक के ऊपर आपको तैयारी कर लेनी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार,